हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डीआरएक्स मेट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रिलिंटस बीएम सिरप के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बताऊंगा, और ये वर्क कैसे करता है वो भी बताऊँगा। लास्ट में आपको बताऊँगा कुछ सेफ्टी एडवाइस। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा ग्रिलिंटस बीएम सिरप है इसका प्राइस कितना है। दोस्तों, ये हमारी 106 रुपए की है और ये हमारी 100 ml की सिरप है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसके यूजेस। दोस्तों, जो हमारे ग्रिलिंटस बीएम के यूजेस देखे गए हैं, ये हमारे अगर किसी व्यक्ति को कफ होता है, मतलब उसको खांसी के टाइम कफ आता है गले में, तो उस समय ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा हमारा प्रिस्क्राइब किया जाता है ग्रिलिंटस बीएम सिरप को, जिसकी वजह से जो उसका कफ है वो बहुत ही ठीक हो जाता है और तो उसकी काफ़ी खांसी भी ठीक हो जाती है। और तो ये देखा गया, अगर उसके नोज़ में या विंड पाइप मतलब या लंग्स में उसके कफ जम जाता है, तो उस समय ग्रिलिंटस बीएम देने से जो कफ होता है वो पतला हो जाता है। जो पतला होते होते वो धीरे धीरे कफ बाहर निकल जाता है, जिससे जो उसको खांसते टाइम उसका कफ आता है गले में या विंड पाइप में या नोज़ में आ जाता है, तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और तो और, जब हम ग्रिलिंटस बीएम सिरप देते हैं तो उसके थोड़े रिलीफ की वजह से जिसको किसी को रनी नोज़ भी हो रहा हो या स्नीजिंग या ईचिंग या आँखों में पानी भी आ रहा हो, तो वो भी ठीक हो जाता है। मतलब यही है कि खांसी के समय अगर किसी को जुकाम भी हो जा रहा हो या आँखों से पानी भी आ रहा हो, ईचिंग भी हो रही हो, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ओवरऑल जो देखा गया हमारा ग्रिलिंटस बीएम सिरप का यूजेस, कि ये हमारे कफ में यूज हो जाता है। अगर किसी को खांसी के समय कफ बहुत आता है तो उस समय दिया जाता है, जिससे उसका जो कफ है धीरे धीरे आराम से निकल जाता है। तो दोस्तों, यही है इसका यूजेस। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ग्रिलिंटस बीएम सिरप आप लेते हैं तो उस समय जो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिखता है, कई बार आपको हेडेक और मसल क्रैम्प भी होने लगता है और आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, पल्पिटेशन सी होने लगती है, इनडाइजेशन मतलब स्टमक अपसेट भी हो सकता है। अगर इससे भी ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर को बताएं, जिससे जो आपका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसको, ये आपको इस्तेमाल कैसे करना है ग्रिलिंटस बीएम सिरप को। जैसे कि दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से ही आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो ये नॉर्मल डोज है जो अडल्ट ले सकते हैं उसकी, वो नॉर्मल डोज बताता हूँ। दोस्तों, इसको आप 5 ml से लेके 7.5 ml ले सकते हो। जैसे कि आप इसकी बोतल में देख रहे हो, इसकी बोतल में एक कैप होती है, इसकी कैप को जब ओपन करोगे तो इसकी कैप में देखोगे एक वो पीने वाली कैप होती है, उसमें नंबर मेंशन होता है कि 2 ml, 5 ml, 7.5 ml या 10 ml। तो उसके अकॉर्डिंग ही अगर जो अडल्ट है वो 5 ml से 7.5 ml ले सकते हैं। अगर ज़्यादा ही कफ हो रहा हो बहुत ही ज़्यादा, तो आप दिन में इसको 3 बार भी ले सकते हो, वरना तो आप दिन में इसको 2 बार भी ले सकते हो, सुबह और शाम, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस से ही आपको लेना है। तो दोस्तों, यही है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों, जो हमारी ग्रिलिंटस बीएम सिरप है, ये हमारी 2 combination ऑफ मेडिसिन को मिला के बनाया गया है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। इसमें एक हमारा टर्ब्यूटालिन और दूसरा हमारा ब्रोहेक्सिडिन। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एक एक का क्या वर्क है। दोस्तों, जो हमारा टर्ब्यूटालिन है वो हमारा एक टाइप का ब्रोंको डायलेटर है, जो कि ब्रोंको डायलेटर का क्या काम होता है, जो भी हमारा विंड पाइप है मतलब जो हमारे जहाँ से हम सांस ले सकते हैं, एयरवे है, तो उसको वो थोड़ा वाइड करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो म्यूकस है वो ईजिली एक्सपेल आउट हो जाता है, मतलब बाहर आ सकता है। और तो और, जो हमारा ब्रोमहेक्सिन है
वो हमारा एक टाइप का म्यूकोलाइटिक है। ये क्या करता है, जो हमारा म्यूकस होता है हमारे चेस्ट में या नोज में या थ्रोट में, उसको धीरे धीरे वो पतला कर देता है। पतला करने से वो जो है धीरे धीरे हमारे ईजिली से वो एक्सपेल आउट हो जाता है हमारे शरीर से। तो दोस्तों यही है कि ये कैसे वर्क करता है, अब मैं आपको बताता हूँ इसके लेने के समय फिर आपको जो सेफ्टी एडवाइस रखना चाहिए। दोस्तों जो इसके सेफ्टी एडवाइस है, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, अगर आप ये सिरप लेते हो तो ड्राइविंग ना करें, और जो प्रेग्नेंट लेडी या ब्रेस्ट फीडिंग है वो कृपया करके डॉक्टर की सहायता से ही इस्तेमाल करें। और जब बच्चे के लिए, जो अगर बच्चों को ज़्यादा ही कफ हो रहा हो, खांसी आ रही हो, तो बच्चों के लिए भी आती है जूनियर मेडिकल वाले या फार्मेसी शॉप में जो भी फार्मासिस्ट है बोलोगे कि बच्चों के लिए, तो वो जूनियर वाली दे सकती है। ये सिर्फ बड़ों के लिए है। तो दोस्तों यही है कि पूरे बारे में ग्रिलिंग टेस्ट बीएम के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।